दोस्तों, हिंगवष्टक चूर्ण आयुर्वेद की एक इतनी प्रसिद्ध औषधि है कि हर किसी ने कभी ना कभी इसका सेवन जरूर किया होता है अथवा इसका नाम तो जरूर ही सुना होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी दे रहे हैं इस हिंगवष्टक चूर्ण के तैयार करने की विधि के बारे में, इसके फायदे, गुणधर्म, उपयोग के बारे में। तो अपनी वीडियो के मेन कंटेंट को शुरू करते हुए सबसे पहले मैं आपको जानकारी देता हूँ इस हिंगवष्टक चूर्ण की निर्माण विधि के बारे में। जैसा कि इसके नाम से हमें पता चलता है, हींग अष्टक अर्थात हींग के साथ में कुल मिलाकर 8 तत्वों का यूज़ किया जाता है इसको तैयार करने के लिए, जिनमें अजवाइन, सेंधा नमक, सौंठ, पीपल, काली मिर्च, सफ़ेद जीरा, काला जीरा, ये 7 द्रव्य होते हैं और 8वां द्रव्य रहता है हींग। तो जो पहले 7 द्रव्य हैं वो तो सभी समान मात्रा में लिए जाते हैं और हींग जो है वो किसी एक द्रव्य का 1/8वां भाग ली जाती है। इन सब को कूट कर, छान कर कपड़े से और मिलाकर रख लिया जाता है, तब जाकर यह मेडिसिन तैयार होती है, हिंगवष्टक चूर्ण। तो यह तो रही इस हिंगवष्टक चूर्ण के निर्माण के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं कि किन किन रोगों में यह हिंगवष्टक चूर्ण हमें फ़ायदा करता है। प्रमुख रूप से इसका सेवन किया जाता है पाचक अग्नि को प्रबल करने के लिए। जिन लोगों को खाया पिया ठीक से हजम नहीं होता है और खाने के घंटों बाद भी खाया गया अन्न ऐसा प्रतीत होता है कि आमाशय प्रदेश में रखा हुआ है और वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो ऐसे लोगों को खाने के प्रथम गस्से के साथ में लगभग 3 ग्राम की मात्रा में मिला करके इसका सेवन करना चाहिए और एक घूंट गुनगुना गर्म पानी उनको पीना चाहिए। उसके बाद में सामान्य तौर पर अपनी भूख से अल्प मात्रा में उनको चपाती सेवन करनी चाहिए। तो यह पाचन को बहुत सुदृढ़ करता है और पहली ही खुराक से इसका असर देखने में स्पष्ट रूप से मिलता है। दूसरा इसका लाभ हमें मिलता है पेट में वायु का गोला बनना, पेट में गैस की समस्या, गैस आने के कारण पेट में अफारा हो जाता है, रोगी को विशेष बेचैनी अनुभव होने लगती है। तो इन सब दशाओं में इस हिंगवष्टक चूर्ण को यदि 3 ग्राम की मात्रा में सेवन किया जाए और उसके बाद में गुनगुना गर्म पानी पिया जाए तो काफ़ी ही जल्दी पेट में बनी हुई गैस समाप्त हो जाती है, अफारे से रोगी को मुक्ति मिल जाती है। उसके अलावा जिन रोगियों को गैस पास नहीं हो रही है, ऐसे रोगी भी इस हिंगवष्टक चूर्ण का सेवन कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा उनको लाभ होता है और गैस खुलकर पास हो जाती है। इसके अलावा भोजन ठीक से ना पचने के कारण अजीर्ण की समस्या हो रही है और रोगी को खट्टी खट्टी डकारें आती रहती हैं, एक नोजिया की फीलिंग लगातार बनी रहती है कि अभी उल्टी आएगी, अभी उल्टी आएगी, तो ऐसे रोगी इस हिंगवष्टक चूर्ण का यदि सेवन करते हैं तो उनका अजीर्ण समाप्त होता है और जो खट्टी डकारें उनको आ रही हैं वो काफ़ी ही जल्दी बंद हो जाती हैं। तो यह तो रही फ्रेंड्स कुछ बेसिक जानकारी इस हिंगवष्टक चूर्ण के सेवन से मिलने वाले फ़ायदों के बारे में। अब यदि बात करें इसकी सेवन मात्रा और सेवन विधि की, तो इसकी जो सेवन की मात्रा है वो नॉर्मल अडल्ट इंसान के लिए लगभग 3 ग्राम की मात्रा में एक बार सेवन करने के लिए विधान किया गया है और जो छोटे बच्चे होते हैं 5 साल से छोटे बच्चों को लगभग आधा ग्राम अर्थात 2 या 3 चुटकी की मात्रा में ही यह चूर्ण देना चाहिए। 5 साल से लेकर 14 साल तक की आयु के जो बच्चे रहते हैं उनको यह चूर्ण 2 ग्राम से लेकर 3 ग्राम तक की मात्रा में दिया जा सकता है। उसके बाद में जो इसका सेवन विधि है वो यह रहती है कि अधिकतर रोगियों को चाहिए कि वो इस चूर्ण का सेवन अपने भोजन के पहले गस्से के साथ में मिला करके करें, अन्यथा वो भोजन प्रारंभ करने से लगभग 10 मिनट पहले भी इस हिंगवष्टक चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। और सबसे उत्तम उपाय रहता है कि इस चूर्ण का सेवन करने के बाद में 1 या 2 घूंट की मात्रा में आपको थोड़ा तेज गुनगुना गर्म पानी जरूर पीना चाहिए। पानी इतना भी गर्म ना हो कि मुंह, गला और पेट आपका जलन महसूस करे, इतना होना चाहिए कि हल्की सी सिकाई आपको महसूस होनी चाहिए। उसके बाद में यदि आप सेवन कर रहे हैं अचानक होने वाली गैस की समस्या के लिए, तो किसी भी समय इस हिंगवष्टक चूर्ण का यूज़ किया जा सकता है जब भी आपको गैस अफारे की समस्या पैदा हो रही है।
सामान्य तौर पर एक दिन में 3 बार से ज़्यादा इस चूर्ण का सेवन नहीं करना चाहिए और नॉर्मली केवल 2 बार का सेवन करना ही पर्याप्त रहता है। बात करें इस चूर्ण के सेवन काल में सावधानियों के बारे में, तो सावधानी बस यही रहती है कि यह चूर्ण खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है, जिसके कारण बहुत सारे रोगी इसको लगातार खाते रहते हैं और ओवर ईटिंग की समस्या के कारण यह चूर्ण उनको कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है, जैसे कि पेट में जलन विशेष रूप से उनको अनुभव होती है। तो बस इसकी ओवर ईटिंग की जो प्रॉब्लम है उससे आपको बचना है, ओवर ईटिंग आपको इसकी नहीं करनी है। बाकी मार्केट में आपको विभिन्न कंपनियों का डाबर, बैद्यनाथ, लोयन और झंडू का, उसके अलावा अथर्व, ज्वाला आदि कंपनियों का यह हिंगवष्टक चूर्ण आपको आसानी के साथ में उपलब्ध हो जाता है। अपने आसपास किसी भी प्रमुख मेडिकल स्टोर से आप इसको परचेज कर सकते हैं अथवा आयुर्वेदिक दवाइयों की दुकान पर तो यह बहुत ईजीली आपको मिल जाता है। बात करें यदि इसकी प्राइसिंग के बारे में, तो सामान्य तौर पर इसकी 100 ग्राम और 200 ग्राम की डिब्बी आती हैं। 100 ग्राम की डिब्बी लगभग 100-110 रुपए की रेंज में आपको मिल जाती है। 200 ग्राम की डिब्बी आपको लगभग 200-210-220 रुपए की रेंज में अवेलेबल हो जाती है। तो फ्रेंड्स, यह कुछ बेसिक जानकारी रही इस हिंगवष्टक चूर्ण के बारे में। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और सबसे लास्ट में आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा यह चैनल प्रकाशित आयुर्वेद मेरठ, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगा घंटी का बटन दबा करके नोटिफिकेशन ऑल पर आप क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास में लगातार पहुँचते रह सकें। मैं बहुत जल्दी ही एक और नई वीडियो में किसी नई मेडिसिन की जानकारी के साथ में आपसे मुलाकात करूँगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।